हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं जो मेरे कबूतर है उसके लिए ये नेस्ट बॉक्स बनाया है। इसमें कबूतर बैठ करके यहाँ पर वो ब्रीडिंग करेंगे, इसमें अंडा देंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो फल वाला पेटी होता है तो उससे मैंने एक नेस्ट बॉक्स बनाया है, ये देखें। तो आपको आगे वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे बनाया है, तो वीडियो आप देख ले आगे। तो आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें आप लोगों ने देखा मैंने ये बॉक्स बनाया, और ये जो बॉक्स है ये फल पेटी का बना हुआ है, मैंने खुद से बनाया है इसे। और आप भी इसे बना सकते हैं। आपको 5 रुपये में जो फल का पेटी आता है उसे खरीद लेना है, और जो मैंने किया इसी तरह से आपको सेम करना है, और इस तरह से आप अपने कबूतर के लिए इस तरह से नेस्ट बॉक्स बना सकते हैं। इस तरह से आप रख सकते हैं, इसके अंदर आपको रेत डाल देना है, और इसमें जो कबूतर है वो अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो पेयर है यहाँ पर, तो इसके पास कोई भी बर्तन नहीं था। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा पेयर है मुखी, और ये वाला जो लखा है, तो इसके पास इसके रूम में कोई भी बर्तन नहीं था ब्रीडिंग के लिए। तो मैंने सबसे पहले जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे मैंने जा करके मार्केट में देखा, लेकिन जो साइज़ मुझे चाहिए था वो साइज़ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से इनके लिए एक बर्तन बना देता हूं। तो यहां पर लकड़ी का मैंने ये बर्तन बनाया है। तो जो फल का पेटी आता है 5 रुपये वाला वो मैंने ख़रीदा, और उससे ये वाला इनके लिए बर्तन बनाया है। तो इसे यहाँ लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिया है। इसमें मैंने रेत डाल करके ये इनका जो नेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें ये जो मेरे पेयर है, ये जो कबूतर का पेयर है, ये आराम से इसमें ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो ये देखें, तो आप भी इस तरह से अपने कबूतर के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें, कबूतर अभी सुबह का टाइम है, और यहाँ पर देखें मैंने इनके लिए रोटी लाया है। तो ये वाला जो चूजा है ये भी खाने लगा है, और जो कबूतर है ये भी रोटी खुद से तोड़ करके खाने लगे हैं। तो ये जो रोटी है अभी मैं इनको तोड़ करके दूंगा, तो ये आराम से खा पाएंगे। और यहाँ पर ये वाला जो मेरा सिल्वर वाला पेयर है, तो इस बार इनके अंडों में सिर्फ एक ही अंडा में बच्चा बन रहा है, एक अंडा इनका ख़राब है। मैंने चेक किया था तो एक अंडा इनका ख़राब हो चुका है और एक अंडा ठीक है, और जो मेल है ये बाहर आना चाहता है।
तो मैंने इनको जो बर्तन है ये लगा दिया है, और मुझे एक बर्तन इसमें देना होगा। यहाँ पर जो मेरा कबूतर का पेयर रहता है इसके पास भी बर्तन नहीं है, तो मुझे यहाँ भी बर्तन लगाना होगा। और इसी तरह से मुझे अब जब भी कबूतर को ब्रीडिंग के लिए बर्तन देना होगा तो इसी तरह से मैं खुद से बना करके इन्हें बर्तन दूंगा। तो यहाँ पर जो बर्तन का साइज है ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है वो साइज में नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से इन्हें बर्तन बना करके दूंगा। और आज मैंने ये बनाया है, तो आज मैंने एक बनाया है और अभी और बनाना है, तो एक और मुझे आज बनाना है, उसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये वाला जो मेरा पेयर है ये इसी तरह से नीचे में बैठे हुए हैं, तो एक बर्तन बना करके मैं यहाँ भी रख दूंगा, और जिसे भी ज़रूरत होगा तो मैं उसके लिए इसी तरह से बर्तन बना करके दूंगा। यहाँ पर जो मिट्टी का बर्तन होता है इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जो सिंपल कबूतर होते हैं उनके लिए ये साइज ठीक है, लेकिन जो फैंसी कबूतर होते हैं जैसे कि लखा हो गया, इस तरह से जो बड़े कबूतर होते हैं उनके लिए ये साइज छोटा हो जाता है, तो उसके लिए इस तरह से मैं बड़ा बर्तन बना करके दूंगा ताकि वो अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएँ। यहाँ पर ये अच्छे से अंडे को से पाएंगे, और यहाँ पर जो बच्चा भी निकलेगा उसके लिए भी काफ़ी जगह यहाँ हो जाएगा, तो इस बर्तन में वो इधर उधर घूम भी सकता है। तो इसी तरह से आप भी अपने कबूतर के लिए बर्तन बना सकते हैं, इजी है इसे बनाने में। 5 से 10 मिनट में ये जो बर्तन है ये तैयार हो गया है, और यहाँ पर जो मेरा शॉर्ट फेस है ये अंडे पर बैठे हुए हैं, और इनके पास जो दो अंडे हैं उसमें जो बच्चा है वो भी बनने लगा है। और यहाँ पर मैं इस तरह से इन्हें दाना देता हूँ, यहाँ पर दाना ख़त्म होने वाला है तो अभी मैं इन्हें दाना लगाऊंगा। और यहाँ पर जो पानी है ये भी गंदा हो चुका है, तो इस पानी को भी मैं चेंज कर दूंगा। और यहाँ पर सिराजी का एक अंडा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी अंडा ख़राब हो चुका है, तो इस अंडे को भी हटाना होगा। और यहाँ पर ये खुद से ही रोटी को तोड़ तोड़ के खाने लगे हैं, और ये चूजा मैं इसे बांध करके रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका जो पैर है वो खुल चुका है, ये घूम फिर रहा है यहाँ पर आराम से, और जो रोटी है वो खुद से ही ये ख़त्म करने लगे हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है तो ये खुद से रोटी तोड़ करके खाने लगे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।